Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I am your teacher from Bluebells School. Okay student, today is the third lecture of English literature. Open your copies. Mention date 7th December 2020, day Monday. Classwork, unit number 10, lesson number 1, Adil and the Gold Chain. जैसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था कि आदिल एक छोटा सा बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है और दो लोग जो हैं उसकी जो मदर की हैं वो गोल्ड चेन लेकर भाग जाते हैं। आदिल उनके पीछे जाता है, आदिल उनका हाउस नंबर देखता है और देखता है कि उन्होंने क्लॉक के पीछे छुपाई होती है गोल्ड चेन। वो फिर एक इंस्पेक्टर को और कॉन्स्टेबल को अपने साथ लेकर जाता है उनके घर और वहाँ से जब वो चेन ढूंढ लेता है तो वो घर आके जब अपने फादर को बताता है तो उसके फादर कहते हैं, व्हाट अ ब्रेव बॉय, क्लेवर बॉय यू आर। उसी के रिलेटेड हमारे आज टू क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड आदिल स्टे एट होम, आदिल घर पे क्यों रुका था। आदिल स्टेड एट होम बिकॉज ही वॉज क्लीनिंग हिज बाइसाइकिल। आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था कि आदिल की अम्मा ने उसको आके बताया था कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तब वो अपनी साइकिल धो रहा होता है। उन्होंने वही क्वेश्चन किया है कि आदिल घर पे क्या कर रहा था। आदिल घर पे अपनी बाइक साइकिल को साफ कर रहा था, इसलिए वो घर पे रुका था। द सेकेंड क्वेश्चन इज, हु स्टोल द गोल्ड चेन, जो गोल्ड चेन थी वो किसने चुराई थी। स्टोल मतलब चुराना। द आंसर इज, टू मैन स्टोल द गोल्ड चेन, दो आदमी जिनसे उसकी मदर खड़े होकर बात कर रही थी उन्होंने गोल्ड चेन चुराई थी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी हम इंशाल्लाह जूम सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।